मनुष्यता। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास स्वास्थ्य है, शक्ति है, सामर्थ्य है, रूप और गुण है। निश्चय जानिए आपकी योग्यताएं बहुत हैं, केवल उन पर आलस्य, कुविचार और अज्ञान का गहरा पर्दा पड़ा हुआ है। आपको ऊंचा उठकर सद्विचार, सद ग्रंथावलोकन, शुभ चिंतन और दृढ़ संकल्प द्वारा अपनी गुप्त शक्तियों को पहचानना है, उन्हें विकसित करना है। आप अपने सद्गुणों, सद प्रवृत्तियों को देखिए और उसी दिशा में उनका विकास कीजिए। अधूरापन, अभाव तथा अशांति का चिंतन अद्विंगता उत्पन्न कर शक्ति का हास करता है। बस विकास का सूत्र पकड़िए और उदार मना होकर कर्म कीजिए। ये भी जान लीजिए कि जैसा कर्म होगा फल भी उसी के अनुरूप होगा। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो भी करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो ना भूल के कभी मदांग तुच्छ चित्त में, सनात जान आपको करो ना गर्व वित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न मित्रता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।